most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, today we are going to discuss Richard Wilbur as a modern poet and critical appreciation of his poem, one of his poems, Marginalia. What is meaning of marginalia? And what is the purpose of writing marginalia? According to Richard Wilbur, he says that whatever idea come to us, they in fact follow centrifugal system. Centrifugal एक physics का system है और इसके according जो भी ideas आते हैं वो हमेशा skip हो जाते हैं, एक certain time से आते हैं और उसके बाद वो अपने center से away होते जाते हैं. So उसने divide किया mind को, उसने कहा कि mind जो है वो कंसिस्ट करता है कॉन्शियस, लिख लें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये पार्ट हैं माइंड के. तो इंसान के आइडियाज जो भी आते हैं वो हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, अपने सेंटर से अवे होते जाते हैं. जैसे मछलियां जो हैं वो भी किनारों की तरफ दौड़ती हैं, पानी जो है वो भी किनारों की तरफ जाता है. तो इसी तरह उसने कहा, पोएटिक प्रोसेस उसने अपना एक्सप्लेन किया कि इंसान के पास जो आइडियाज होते हैं वो ग्रेजुअली उसके माइंड से स्किप हो जाते हैं. तो जैसे ही उसके पास कुछ पॉइंट आए, उसके माइंड में कोई क्रिएटिविटी आए, तो उसे फौरन उसको जॉट डाउन कर लेना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए. नहीं, अगर आप नहीं उसको जॉट डाउन करते, नहीं उस पॉइंट्स को लिख लेते या उन आइडियाज को नहीं लिखते, तो वो अल्टीमेटली स्किप हो जाते हैं माइंड से. कि उसने सेंट्रीफ्यूगल एक जो कंसेप्ट है वो पेश किया आइडियाज का, जैसे माइंड में आते हैं. वो साइंटिफिक नॉलेज भी उसने हासिल किया था, तो वो क्या साइंटिफिक नॉलेज से पोएटिक प्रोसेस अपना बताता है. इससे पहले अगर आपने मॉडर्न पोएट्री पढ़ी है मुझसे, जैसे अलीसा ने पढ़ी है, इसे पता है, हमने थॉट फॉक्स का जो कंसेप्ट है, वो टेड ह्यूज का एक कंसेप्ट है, उसने अपना पोएटिक प्रोसेस बताया कि आइडियाज भी ऐसे आते हैं. उसने कहा कि आइडिया इंसान के माइंड में ऐसे आते हैं जैसे कि एक फॉक्स होती है ना, वो जंगल से पहले अपनी आंखें निकालती है, आंखें दूर से उसकी आंखें नजर आती हैं, फिर वो थोड़ा सा हेड जो है ऊपर उठाती है, वो अल्टीमेटली तीसरे लेवल पे वो पूरी लोमड़ी जो है फॉक्स जो है आपके सामने आ जाती है. तो उसी तरह उसने कहा कि इंसान के जो पोएटिक प्रोसेस है किसी का, वो एक थॉट फॉक्स की मानिंद है. आइडिया एक थॉट फॉक्स की तरह आते हैं आस्था ग्रेजुअली, ऐसे ऊपर जैसे लोमड़ी अपीयर हो जाती है, इसी तरह इंसान के पास आइडिया भी बिल्कुल कहता है इसी तरह आते हैं. सीमस हीनी का जैसे वो कुओं का कंसेप्ट है, तो इसी तरह इसने मार्जिनेलिया अपना बताया है. तो आप देखें ऊपर बुक का पेज नंबर भी आपको बता देते हैं, पहले आप जरा इसके ऊपर देख लें. मैंने इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन की अलग से असाइनमेंट बनाई है, वो आपको सेंड कर दूंगा. देखिएगा टेक्निकल एक्सीलेंसी ऑफ विल्बर, कुछ पॉइंट्स हैं इसके डिस्कस कर लें. रिचर्ड विल्बर जो है वो 1921 में पैदा हुए न्यूयॉर्क के अंदर, और 2017 में रिचर्ड विल्बर की डेथ हुई है. जोनेशबेरी की डेथ जो है वो भी 2017 में, गालबन इनकी सेम ईयर ही डेथ हुई है दोनों की, दोनों मॉडर्न पोएट हैं. और लिखने रिचर्ड विल्बर जो है वो एक आज़ाद, जैसे कि अमेरिकन जो थे वो बर्तानिया से हट के, वो अमेरिकन जैसे कि बर्तानिया के जो ब्रिटिश राइटर्स हैं वो एक अपने स्टाइल से लिखते थे, ये फ्री वर्स में लिखते थे पोइट्री को, ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते और राइमिंग स्कीम भी वो अब नहीं इस तरह की बनाते जैसे ब्रिटिश पोइट्स बनाते हैं. तो ये आज़ाद पोइट्री करते हैं, ठीक है, पहली तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है. टोन और स्टेंजिक स्टाइल है इनका, एक टोन बनाते हैं और उसके बाद स्टेंजिक स्टाइल बना के उसको लिखते हैं. रियलिज्म जो है अपनी पोइट्री की इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है मॉडर्न पोइट्स की, कि स्पेशली अमेरिकन पोइट की बात कर रहा हूँ, कि वो रियलिज्म आइडिया ऐसे देंगे कि जैसे रियलिटी को बयान कर रहे हैं. सो टॉक अबाउट द स्टिल सिटीजन स्पैरो, आप स्टिल सिटीजन स्पैरो को देखें तो वो बड़ी एक आपको उसने रियलिज्म उसके अंदर दिखाई है, और आम चीज़ें जो हैं वो आपको उसने बताई है. और फिर उसके बाद आप मार्जिनेलिया ले लें तो वो भी उसने एक साइंटिफिक थीरी है, सेंट्रीफ्यूगल थीरी है, फिजिक्स का जो रूल है वो उसने उसके ऊपर उसके थ्रू आपको
उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और रिचर्ड बल्बर ने वर्क किया है, यूएस आर्मी को ज्वाइन किया है 1943 से लेकर 1945 तक इन्होंने वर्क किया, यूएस आर्मी के अंदर सर्व किया, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन बनता है। आप सेकंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन लिख लें, 1939 से लेकर 1945 का जो ड्यूरेशन है, यानी 1939 से 1945, 1939 से 1945 का जो ड्यूरेशन है उसे कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लड़ाई हुई थी, कंट्रीज जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के लड़ते रहे, और हिटलर जो है वो उसका मेन करैक्टर था उस फाइटिंग का, वो पूरी एक जंग को लोगों पे मसलत करने वाला हिटलर था, नाजी बिलोंग्स टू जर्मनी, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका भी चूंकि इन्वॉल्व था, और जैसे जैसे कि हमने देखा जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराए गए थे, तो उस आर्मी उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसने सर्व किया है यूएस आर्मी को, ठीक है। स्टिल सिटीजन स्पैरो को देख लें तो उसका वो एक आपको या लास्ट बुलेटिन इसका वर्क देख लें, मार्जिनोलिया देख लें, आपको कॉमन चीज़ें मिलेंगी, कॉमन एग्जांपल मिलेंगी, रियल लाइफ सिचुएशन मिलेगी। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस आपको इसने मार्जिनोलिया के अंदर बताया है, कॉन्शियस लिख लें, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, इन तीनों लेवल को डिस्कस किया है। और रिचर्ड वल्बर ने बताया है, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट अ गुड पोइट्री यू मस्ट बी इन स्टेट ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के दरमियान अगर हो तो आप बहुत अच्छा लिख लेंगे। मैं उसकी मिसाल अक्सर स्टूडेंट को ऐसे देता हूँ, मार्जिनेलिया का कॉन्सेप्ट जो है, आप पेपर में गए, आपने ये देखा कि जैसे आपने पेपर को एग्जाम में है तो आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, हालांकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने टेस्ट भी दिए, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन सिस्टमेटिक आपने तैयारी की है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे कि आप उस पेपर को पकड़ते हैं, उसे देखते हैं और उसके बाद लिखना शुरू कर देते हैं, आप स्टेट में हैं इन द पोजीशन ऑफ डू नॉट टू डू डूइंग, और यानी आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान हैं, यानी आप ये समझ रहे हैं कि मुझे आता है नहीं आता। इसकी दरमियानी सिचुएशन में जब इंसान होता है ना, तो वो क्रिएटिविटी का वक्त होता है। आपने वो देखा कि आप उस वक्त ये सोच, जब आपने पेपर पकड़ा मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जब आपने लिखना शुरू किया 3, 4, 5, 7 तकरीबन 10 पेजेस आपने एक असाइनमेंट के लिख दिए, भाई वो कहाँ से आ गया। तो उस बॉर्डर लाइन को उसने कहा है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, नोइंग अननोइंग के दरमियान, ठीक है, और लर्निंग और अनलर्निंग के दरमियान की जो सिचुएशन है, नोइंग अननोइंग कॉन्शियस अनकॉन्शियस, उस दरमियान उस बॉर्डर लाइन को उसने मार्जिनेलिया कहा है। कहता है कि ये जो वक्त है, ये जो प्रोसेस है माइंड का, इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। मैंने जैसे मिसाल दी कि आपने पेपर पकड़ा मुझे कुछ नहीं आता, पेपर को लिखने लगे तो 7-10 पेजेस लिख दिए एक असाइनमेंट, तो इसका मतलब है कि नोइंग और अननोइंग, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान जब आप होते हैं तो उसमें हम क्रिएटिविटी करते हैं। ही हैज गिवन द नेम, ही हैज गिवन अ स्पेशल नेम मार्जिनेलिया, तो रिचर्ड वल्बर ने उसको मार्जिनेलिया का नाम दिया। कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान की जो बॉर्डर लाइन है वो क्रिएटिविटी की लाइन है। वहां पे क्रिएटिविटी होती है, वहां पोइट्री आती है, वहां इंसान क्रिएटिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, वहां पे लिखता है, नए आइडिया प्रोड्यूस करता है, नए आइडिया लिखता है, नए आइडिया लाता है, नए आइडिया जनरेट करता है। फिर उसके बाद रिचर्ड वल्बर की पोइट्री का एक खासा है, उसकी एक करेक्टरिस्टिक है, लिख लें साथ साथ पॉइंट, ही यूज एंटीथीसिस प्रोसेस इन अ वे टू कंपेयर, इन अ वे टू कंपेयर सर्टन थिंग्स। आपको कोई चीज समझाने के लिए वो जक्स्टापोजिशन और एंटीथीसिस का कंसेप्ट जो है वो यूज करता है। लाइट और डार्कनेस की दरमियानी चीज, गुड और बैडनेस की दरमियानी चीज, ठीक है, नोइंग और अननोइंग, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की दरमियानी चीज को इस्तेमाल करता है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस, थीसिस एंटीथीसिस, जक्स्टापोजिशन, लाइट और डार्कनेस, इन चीजों को ऐसे जक्स्टापोज करके आमने सामने रख, जक्स्टापोजिशन का मतलब क्या होता है कि दो चीजों को जो बिल्कुल एक दूसरे के एंटी हों उनको आप आमने सामने रख के अगर एक्सप्लेन करते हैं, कंपेयर कंट्रास्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसे कहते हैं जक्स्टापोजिशन, ठीक है, एंटीथीसिस किसी चीज का देना।
तो आपको थीसिस एंटीथीसिस का के जरिए समझाता है, जक्स्टापोजिशन के जरिए समझाता है, आपके सामने गुड बैड रख देता है, आपके सामने लाइट डार्कनेस रख देता है, आपके ना सामने कॉन्शियस अनकॉन्शियस रख देता है, और आपको बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट और नॉर्मल और डेली जो यूजुअल जो चीजें होती हैं उनसे समझाता है। टॉक अबाउट स्टिल सिटीजन स्पैरो, अगर आपने मुझसे पढ़ी है तो स्टिल सिटीजन स्पैरो के अंदर क्या है कि ये कूड़े वाला, एक काम करने वाला, उसको आप बुरा ना जाने, वो तो नबी होते हैं, वो सेंट होते हैं। उसने कहा कि न्यूड हेड है और बहुत बदनुमास ही है वल्चर, जो है जिसको हम गिद्ध कहते हैं, वल्चर कहते हैं, ये ऊपर जो चीर उड़ रही होती है, तो कहता है कि ये इसको बुरा ना जाने, नूह अलैहिस्सलाम के वक्त इसी गिद्ध ने, इसी वल्चर ने इस दुनिया को साफ किया था, यहाँ पे तो स्टिंकिंग बॉडी थी, बदबू आ रही थी, तो उसने उसको साफ किया था। तो ये सफाई करने वाले बुरे नहीं होते, या चिड़िया तो साफ पानी पीती है तो ये ना जान के तू अच्छा पानी पी लेती है, बागों में रहती है, तू अपने आप को बुरा ना, अपने आप को अच्छा ना जान और इसको बुरा ना समझ, जिसका न्यूड हेड है, हेड बुरा है। और वो मिसाल देता है वर्कर की, काम करने वाले की, एलेगोरिकल एग्जाम्पल आपको दे के समझाता है टू बर्ड्स के थ्रू। मिसाल के तौर पर एक काम करने वाला है, एक जो है वो घर में बैठा है, वो फिल्टर वाटर पीता है, ठीक है, रिफाइंड लाइफ गुजारता है, कमरे के अंदर रहता है। एक बाहर कूड़ा साफ करने वाला है, वो आपसे जो आपका डर्ट है, जो आपके घर में जितना भी कूड़ा है उसको साफ करता है। तो कहता है ये सफाई करने वाले सेंट लोग होते हैं, ये नबियों जैसे लोग हैं, इन्होंने नबियों, ये नबियों के वर्क कर रहे हैं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम दुनिया की उस वक्त के जो लोग थे उनकी सफाई कर रहे थे, उनके लिए वर्क कर रहे थे। तो उसकी जो हथौड़े की ठक ठक थी उससे लोग डिस्टर्ब होते कि ये बूढ़ा जो है वो पागल हो गया, लेकिन वही चीज वो लोगों के लिए बहुत अच्छी थी, उसने लोगों को बचाया। तो आप जिस चीज को बुरा जान रहे हो वो बेसिकली आपकी लाइफ जो है वो बचा रहे हैं। ये रिचर्ड वल्बर ने आपको स्टिल सिटीजन स्पैरो के अंदर बताया। ही यूज्ड अ कॉमन सिंपल साइंटिफिक थिंग इन अ वे टू एक्सप्लेन यू, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कंसेप्ट है कि हर चीज जो है अपने सेंटर से डिवर्ट होके वो किसकी तरफ जाती है, अपने किनारों की तरफ जाती है, जैसे मछलियां हैं, जैसे वाटर है, जैसे पानी है, जैसे आइडियाज हैं। तो उसने कहा इसी तरह आइडिया इंसान के माइंड से बिखर जाते हैं, आस्ता आस्ता वो स्किप होते जाते हैं, जैसे आए उनको इकट्ठा कर लें, उनको लिख लें। तो उसने कहा कि मेरा पोएट्री का जो प्रोसेस है वो मार्जिनिलिया है। बिब्लिकल रेफरेंस देता है आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का रेफरेंस आपको मिलेगा स्टिल सिटीजन स्पैरो में। और ये क्या देता है, हिज व्यू इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, वो अपना ऑब्जेक्टिव व्यू देता है, सब्जेक्टिव नहीं होता व्यू उसका, क्या होगा ऑब्जेक्टिव। जैसी चीजें एक पोएट को के पास आती हैं वो वैसी लिखता है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिव अपने आइडियाज को वैसे बता देना, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव व्यूज। तो जो व्यू उसके पास आते हैं बतौर पोएट तो उनको वैसे बयान करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस वल्बर एज अर्बन पोएट विद रेफरेंस टू हिज पोएम। देखिएगा पेज नंबर अगर आपने देखना है तो यहाँ पे शायद पेज नंबर भी हो, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। रिचर्ड वल्बर इज द मोस्ट रिनाउंड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। मैंने जैसे बताया कि रिचर्ड वल्बर ने सेकंड वर्ल्ड वार को खुद ज्वाइन किया, उसने सेकंड वर्ल्ड वार देखी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन जो है जिसमें बहुत सारे पोएट्स, राइटर, लोग मारे गए थे, आम जो लोग थे उनके ऊपर बम बरसाए गए थे, पहली वर्ल्ड वार से बहुत लोग मुतासर हुए, पोएट मुतासर हुए, राइटर मुतासर हुए, लिखने वाले मुतासर हुए। आर्ट जो होती है ना, आर्ट बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होता है, लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होता है। तो जो कुछ सोसाइटी में होता है आपको लिटरेचर वो बताएगा। हर बुक जो होती है वो अपना सोल रखती है, उसके साथ उसकी सोल होती है। तो जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप जी बोलिए उसे कहो कि उस पे क्लिक करे, तो जो लिंक आपको सेंड किया हुआ है उस पे क्लिक करे। सर वो कह रही है बार करो, लिंक दोबारा सेंड कर दिया, आ जाती तो आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा।
अच्छा जी, रिचर्ड वल्बर जो है वो बड़े रिनाउंड पोएट हैं, बड़े प्रोमिनेंट पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, 20th सेंचुरी के पोएट हैं। सिंपल रेफरेंस यूज करते हैं, आपको साइंटिफिक मेथड के जरिए समझाते हैं, कॉमन एग्जांपल लेते हैं, डेली जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो रेफरेंस हैं वो डेली बेसिस से लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने लास्ट बुलेटिन को पढ़ा, हमने स्टिल सिटीजन स्पैरो को पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी ये अमेरिकन पोएट्स जो हैं बड़ी सिंपल चीज़ें लेते हैं जिनको हम यूजली इग्नोर कर देते हैं। तो अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी देखिएगा, अगर आ गई हैं तो मुझे बता दें, अभी तक नहीं आई। मैं तो लिंक ही सेंड कर सकता हूँ, लिंक पे क्लिक नहीं कर रही तो उनकी मदद ली। आगे जी, रिचर्ड वल्बर इज द मोस्ट रिनोन्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। द फ्रेशनेस ऑफ हिज इमेजरी, डिवर्सिटी ऑफ हिज थीम्स एंड हैंडलिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्टेंसिक फॉर्म्स मेक हिज पोएट्री इम्प्रेसिव एंड चार। यानी वो क्या यूज़ करते हैं, इमेजरी यूज करते हैं, डिवर्सिटी ऑफ थीम यूज करते हैं। थीम्स जो हैं वो बड़े डिवर्सीफाइड किस्म के थीम्स होते हैं। ये लाइन्स जो हैं काइंडली अवॉइड करें, ये लाइन किसने लगाई है। तो द फ्रेशनेस ऑफ इमेजरी, डिवर्सिटी ऑफ द थीम्स एंड हैंडलिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्टेंसिक फॉर्म्स मेक हिज पोएट्री इम्प्रेसिव एंड चार्मिंग। उसके बाद ये नीचे देखें, वल्बर हैज अ वैरायटी ऑफ स्ट्राइकिंग टेक्निक्स इन हिज पोएट्री। वल्बर जो है अपनी, रिचर्ड वल्बर अपनी पोएट्री के अंदर स्ट्राइकिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पोएट्री की। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक आपको ऐसी चीज़ आपके सामने लाएंगे कि जैसे कोई दो चीज़ें जो हैं, इवल गुड सामने, गुड बैड सामने, ठीक है, एक दो इमेज जो हैं आपके सामने, जैसे वो एक इमेज उसकी है रिफाइंड स्टिल सिटीजन स्पैरो की और दूसरी वल्चर की, तो दोनों चीज़ों को कैसे ऐसे कंपेयर कंट्रास्ट के साथ पेश कर देते हैं। द टोन इन हिज पोएम्स वेरी फ्रॉम द लाइट एंड कॉमिक टू द ट्रेजिक एंड ग्लूमी। ट्रेजिक ग्लूमी और यानी ट्रेजिक और ग्लूमी दोनों चीज़ों को साथ साथ, लाइट और कॉमिक, हल्का सा फन और साथ साथ आपको कॉमिक चीज़ जो है, ट्रेजिक और ग्लूमी सिचुएशन को साथ साथ चला के आपको समझाते हैं। रियलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द विल्बर पोएट। रियलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने जो चीज़ देखी है आपको हू बू वैसे ही अगर आप उसको बयान कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज रियलिज्म। तो रियलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वल्बर्स पोएट्री। इट इज़ द हॉल मार्क ऑफ हिज पोएट्री। ये मेन उसकी प्रोमिनेंट फीचर है उसकी पोएट्री का। ही इज अ रियलिस्ट एंड ईच पोएम्स ऑफ द वल्बर इज द ट्रू टू लाइफ। और उसकी हर जो पोएम है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लाइफ की रिफ्लेक्शन है। हिज पोएम प्रेजेंट रियलिस्टिक थीम्स एंड इशू टेकन फ्राम एवरी डे लाइफ। In the last bulletin, Wilbur has highlighted the unique issues of the value of the newspaper after passing one day. आपने देखा कि हमने last bulletin के अंदर पढ़ा कि जब लोग information दे देते हैं, newspaper, newscaster जो है news को सुना देते हैं और उसके बाद शाम होती है तो सारे जो हैं सोने के लिए अपने जो अपने तकिए हैं उनको ready कर लेते हैं bed को, उसके बाद सो जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या news दी है। जिस तरह हम लिटरेचर को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, इररेलेवेंट लिटरेचर को, उसकी वैल्यू जो है वो रिचर्ड वल्बर कहता है कि उसकी खत्म होती जा रही है। आप गौर से देखें, आप कितनी न्यूज़ पढ़ते हैं डेली बेस पे, बट यू डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज न्यूज़पेपर। वंस यू रीड इट यू जस्ट थ्रो इट लाइक अ टिश्यू। जैसे आप उसको पढ़ते हैं आप उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं दूर। और वो कहता है कुछ जो है वो किससे, कुछ स्टैचू से टकराती हैं, कुछ गार्डन में चली जाती हैं, कुछ पेट्रोलिंग मैन के पांव के नीचे क्रश होती हैं। तो न्यूज़पेपर जो है वो अपनी वक्त जो है लिटरेचर खो रहा है। हम जैसे जैसे लिटरेचर को इररेलेवेंट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और बगैर किसी ऑथेंटिक आइडियाज के उसको प्रोड्यूस करते जा रहे हैं अपनी जरूरियात के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, लोग भी उसको वैल्यू नहीं देते। वो कहता है इससे पहले शेक्सपियर का वर्क, यानी जो आइडिया बेस्ड वर्क होते हैं उनको बड़ा सजा के अलमारियों के अंदर और बड़ी बड़े जो शेल्फ्स हैं उनके अंदर उनके वर्क को सजा के रखा जाता है। आज भी शेक्सपियर का वर्क, आज भी बड़ी बड़ी बुक्स जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो जबकि ये जो लिटरेचर है इसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती, बिकॉज इट इज़ टोटली बिजनेस बेस्ड। नोबडी गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज न्यूज़पेपर बिकॉज दे आर ओनली फॉर टेम्परेरी बेसिस। तो टेम्परेरी बेसिस जो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस पर्पज़ के लिए होती हैं वो अपनी वैल्यू खो देती हैं।
ही थ्रो लाइट्स ऑन द मॉडर्न डायलेमा एज टू व्हाट इज द वर्थ ऑफ द न्यूज़पेपर आफ्टर ऑल. कहता क्या वर्थ है न्यूज़पेपर की, क्या है, कोई उसकी वर्थ नहीं है. आप एक दिन में उसको पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसकी वैल्यू नहीं है. वो वही जो है पाँव में क्रश हो रही है, कहीं गिरी पड़ी है कहीं पे, वो आपको पड़ी मिलेगी. कोई पेट्रोल मैन जो है, कोई पुलिस ऑफिस जो है वो चल रहा है तो वो उसे क्रश कर रहा है अपने पाँव के नीचे, कोई स्टैच्यू से टकरा रही है. इट मीन दैट द हिस्टोरिकल थिंग स्टिल दे आर हैविंग देयर नेम विद द स्टैच्यू. अब जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनके अंदर कोई पॉइंट था, वो आप भी महफूज हैं किसी ना किसी फॉर्म में. आज भी आर्ट जो है वो पेंटिंग की शक्ल में महफूज है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं अपनी वैल्यू खो चुकी हैं अखबारें वगैरह. He has realistically brought to light the worthlessness of the newspaper by showing how wind takes a paper from one place to another and how papers are crushed under the feet of the people. कैसे newspaper जो है वो crush होती है लोगों के पाँव के नीचे, क्योंकि उसकी वो value नहीं, लोग उसे फेंक देते हैं, उसे लोग importance नहीं देते. He says the window rises and the blows. He says the wind rises and blow. हवा चलती है और ब्लो होती है, उसके बाद क्या होता है, द डे लीटर्स ऑफ द न्यूज़ इन द एलिस. और आपको जो सारे एलिस मीन ये सारे जो लीटर्स हैं, ये अखबारें जो हैं, इनके जो पेपर हैं, पीस ऑफ पेपर हैं, हवा चलती है. राइज का मतलब होता है बढ़ना, हवा का ब्लो चलना. जैसे कहता है हवा चलती है तो क्या होता है, आपको सारे दिन भर के जितने भी लीटर हैं, जितने भी लीटर्स मीन जितने भी ये न्यूज़पेपर हैं, इनकी जो पार्ट्स हैं, ये आपको किसी रास्ते में पड़े हुए मिलेंगे. बिकॉज दीज काइंड ऑफ लिटरेचर डू नॉट हैव वैल्यू. इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. अगर इनकी इंपॉर्टेंस होती जो किसी शेल्फ में पड़े होते. सिमिलरली इन द स्टिल सिटीजन स्पैरो ही इज वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द मॉडर्न मैन. और आप स्टिल सिटीजन स्पैरो के अंदर देखें तो वो मॉडर्न मैन का बिहेवियर बताता है कि जो सफाई करने वाले हैं हम उनको किस नज़र से देखते हैं. हमने कभी उनको बिठा के पानी नहीं पिलाया, उनको कभी ख्याल नहीं रखा, उनको कुछ पैसे नहीं दिए, जबकि वो सारा दिन आपका कूड़ा करकट जो भी वहाँ पे डर्ट होता है उसको सफाई करते हैं. कहते हैं ये तो सेंट लोग होते हैं जो सफाई करते हैं, आप तो घर में घर के अंदर बैठे हैं रिफाइंड प्लेसेस में, तो उनको बुरा ना जाने. ही एड्रेसेस द स्पैरो इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वल्चर. वो एड्रेस करता है चिड़िया को, स्पैरो होती है चिड़िया, उसको एड्रेस करता है, उसे बताता है कि आप यानी किसी वल्चर को जिसका नंगा सर है और आप उस वल्चर को उड़ता हुआ देखती हो, आप उसको उसकी इम्पोर्टेंस को कम ना जानो, क्योंकि यही वो वल्चर है जो आपकी स्टिंकिंग बॉडी. यहाँ पे जब नूह अलैहि सलाम का वक़्त था तो यहाँ पे इतनी बॉडी डेड बॉडीज थी, इसको उसने खा के उसने यहाँ से सारा जो बदबू है उसको ख़त्म किया था. हु हैज़ सम वैल्यू, क्योंकि नेचर ने उसे बड़ी अच्छी ड्यूटी उसकी लगाई है. वो यहाँ पे जितना भी गंद होता है, डर्ट होता है, जितनी भी स्टिंकिंग बॉडीज होती हैं उस बॉडी को क्लीन करती है. इसकी क्लिनजिंग का काम जो है नेचर ने उसको दिया है और वो अपना काम बड़े अच्छे से करती है. Still citizen Sparrow, this vulture which still citizen Sparrow, ऐ अपने आप को रिफाइन और बड़ा citizen महज़ब Sparrow समझने वाली Sparrow, this vulture which you call unnatural, ये vulture जिसको तुम कहती हो, क्या कहती हो, let him but lumber again too, ये जो vulture जिसको आप बुरा जानती हो, इसको ज़रा ऊपर तो उड़ने दो, फिर क्या होगा, तो आप देखोगी कि किस तरह वो यहाँ ऊपर से वो चीज़ों को देखती है और कैसे सफाई करती है इस दुनिया के अंदर जितनी भी स्टिंकिंग बॉडी है या जहाँ पे कोई बदबू है, स्मेल है या कोई मुर्दार पड़ा हुआ है, तो वो कैसे क्लिनजिंग का वर्क वो करती है. देन अगेन ही डिफेंड वल्चर, फिर वो वल्चर को डिफेंड करता है, कहता है व्हेन ही सेज दैट द मास्टर्स ऑफ द मैटर्स इफ ही इज अगली, कहता है फिर वट मैटर, कहता क्या हुआ कि अगर वो अगली है. बट ही इज द ओनली बर्ड हु सोर्स हाई, सोर का मतलब होता है उड़ना, यही वो बर्ड है जो बड़ा ऊपर उड़ता है. द स्काई एंड कीप द नेचर क्लीन, और ये तुम्हारी दुनिया को, ये तुम्हारी जो वर्ल्ड है इसको क्लीन करता है. By pointing the case of the vulture, Wilbur throws the light on the narrow approach of the man. और ये मिसाल देकर वो आपको क्या समझाता है, इंसान की जो narrow approach है इंसानों की, इंसान हमेशा जो काम करने वाले उनके कैसे, they look down upon them, they do not give them importance, they even do not care about them, even they don't pay them. तो हम उनका ख्याल नहीं करते सफाई करने वालों का, तो वो उनकी उसको समझाता है, इंसान को बताता है उसकी नैरो अप्रोच को. हु डू नॉट सी बियॉन्ड द सरफेस रियलिटी, जो सरफेस रियलिटी से जो रियल मीनिंग है उसको देखते नहीं है.
who does not know the importance and value of the thing and the person, जो कि इंसान की value उसकी उसकी importance नहीं देखता. Secondly, it is important to note that each poems of the Wilbur has an individual entity. Wilbur की आप जो सी poem पढ़ेंगे उसकी एक individual entity आपको मिलेगी, ठीक है. वो एक separate अपना theme carry करती है और वो एक अपनी शिनाख्त रखती है, रिकग्निशन रखती है थ्रू सिंबल, जक्सटापोजिशन, एंटीथीसिस और इस तरह के जो कॉमन एग्जांपल है, सिंबल है, इमेजेस हैं, मेटाफर्स हैं, वो आपको एक यूनिक लेवल पे मिलेगा. इट स्टैंड प्रोमिनेंट एंड यूनिक, और हर जो उसकी पोइम है वो क्या है, यूनिक है, प्रोमिनेंट है. एज फार एज डीलिंग द थीम इज कंसर्न, नो आइडिया इज रिपीटेड इन द मोर देन वन पोइम्स, एवरी पोइम हैज सेपरेट थीम यूनिक इन इटसेल्फ. आप जरा स्टिल सिटीजन पैरो को पढ़ें तो पूरी पोइम जो है वो क्या, एक ही सब्जेक्ट के बारे में है कि आपको दो जो सिंबल हैं उसके जरिए एक एलोगोरिकल आपको पिक्चर दी गई है, उसके रियल उसके बिहाइंड स्टोरी कुछ और बताइए. Some of his poems are dramatic and have abrupt. Abrupt का मतलब होता है अचानक start. In the Still Citizen, Sparrow, he rebukes Sparrow for thinking. Rebukes होता है बुरा भला कहना, लान तान करना. He rebukes the Sparrow for thinking vulture as the ugly being. Ugly being बुरी मखलूक. There is the element of the suspense and mystery. Mystery का मतलब होता है पुरुषार्थ. In his poetry and in the kind of the mystery run through his poem from start to the end and reader remain in the stupendous trance. आप ये इसका मतलब ये कि पूरी poem में वो आपको किस में रखता है, एक मुभम सी situation बताता है, reader ये सोचता है, बड़ा suspense create कर देता है और चीज़ें भी आम सी होती हैं, उनको juxtaposition के जरिए, उनको antithesis के जरिए, उसको compare contrast के जरिए, उसको common example और images metaphor के जरिए आपको इस तरह लेके चलता है कि इंसान reader पढ़ने वाला suspense में रहता है कि what he is going to explain. The poem has dramatic opening और एक abrupt striking और एक dramatic opening देता है आपको. Colloquial का मतलब होता है आम फहम, daily basis. अब देखें स्टिल सिटीजन पैरो, आप देखें लास्ट बुलेटिन, अब देखें मार्जिनेलिया, ये सारी ऐसे लगती हैं जैसे क्लोकुअल है, क्लोकुअल एंड कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, और स्टाइल भी कॉन्वर्सेशनल, जैसे वो बात कर रहा है स्पैरो से और स्पैरो को कह रहा है कि दूसरे को बुरा ना जानो, तुम रिफाइंड हो, वो न्यूड हेड है, उसका बुरा चेहरा है तो तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छा पानी पीती हो तो वो बुरा पीती है, तो उसको बुरा ना जानो. तो ऐसे एक कन्वर्सेशनल, ऐसे डिस्कोर्स, ऐसे जैसे बात चल रही है, ऐसे गुफ्तगू चल रही है. बिसाइड इसके अलावा क्या करता है, वल्बर पोएम्स आर नॉट वेरी लेंथी. रिचर्ड वल्बर की जो पोएम्स हैं वो लेंथी भी नहीं होती. आप मार्जिनेलिया देख लें, आप स्टिल सिटीजन स्पैरो देख लें, आप भले वो लास्ट बुलेटिन देख लें, तो वो इतनी लंबी नहीं है. देयर इज अ ब्रेविटी इन लैंग्वेज, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि ब्रेविटी ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ विट. अब ब्रेविटी जो है ना, इख्तसार जो होता है ना, ये असल होती है, सोल होती है किसी टेक्स्ट की. तो देर इज अ ब्रेविटी, ब्रेविटी इन लैंग्वेज, ब्रेविटी इख्तसार, मुख्तसर चीज़ों, देर इज अ ब्रेविटी इन लैंग्वेज. ईच पोएम इज अ शॉर्ट बट ल्यूसिड कॉम्पैक्ट. हर पोएम जो है वो बड़ी पिथी है, बड़ी ल्यूसिड है, वेल एक्सप्लेन्ड है और उसके बाद कॉम्पैक्ट है, कंसाइज है, शॉर्ट है और बड़ा इख्तसार के साथ समझाया गया है. In contrast with Ashbery's poetry, his poetry has thematic and the structural unity. Like Sylvia Plath, Wilbur too has used antithetical technique. Antithetical, जैसे मैंने पहले बताया, antithetical कि आपको एक reverse जो चीजें हैं उसके through समझाने की कोशिश करता है, compare contrast के लिए. There is a juxtaposition of the light and darkness. लाइफ एंड डेथ, यानी दो चीजों को साथ साथ जो कि कंट्रास्ट अपोजिट होती है ना एक दूसरे की, जैसे गुड बैड, लाइफ डेथ, तो इन चीजों को जब हम आमने सामने रख के समझाते हैं, जैसे दो बंदे हैं वो दोनों एक दूसरे के उल्टे, हम दोनों को मैं कहूँ ये अच्छा है ये बुरा, उनको सामने सामने रख के आपको इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर, इसको कहते हैं जक्सटापोजिशन की सिचुएशन. लाइफ एंड डेथ, इमेजिनेशन एंड रियलिटी, ये दोनों देखें एक दूसरे के रिवर्स है, उल्ट है. लाइफ और डेथ और है, दिन रात और है, इमेजिनेशन रियलिटी और है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिफरेंट है, मूवमेंट और इनएक्टिविटी दोनों डिफरेंट है. वेल्बर्स पोएट्री इज रिमार्केबल फॉर हिज विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजरी. एज इफ वी आर लिसनिंग टू सम म्यूजिक आर द विजुअलाइजिंग समथिंग, द पोएम मार्जिनेलिया इज अ फुल ऑफ दिस यूनिक एंड ऑडिटरी इमेजेस.
auditory and visual imagery, like in marginalia, to create dream-like atmospheres. मैंने मार्जिनिलिया का आपको मतलब बताया कि बॉर्डर लाइन है. उसने कहा कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान क्रिएटिविटी होती है, नोइंग और अननोइंग के दरमियान क्रिएटिविटी होती है. ठीक है, जब आप स्लीपिंग और अनस्लीपिंग के किसी दरमियान में होते हो, कि जब आप स्लीपलेस और स्लीपिंग पोजीशन के दरमियान में कहीं होते हो, वहाँ क्रिएटिविटी है. जहाँ नोइंग और अननोइंग के दरमियान है, ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान है. जैसे पेपर की मिसाल है कि पेपर को पकड़ते हैं तो जैसे कुछ नहीं आता, लिखने पे आए तो हम 20-20 पेज लिख देते हैं. तो इट मीन के क्रिएटिविटी हमेशा कहाँ होती है? नोइंग और अननोइंग के दरमियान. बिसाइड बिल्बर्स पोइट्री हैज पिक्टोरियल क्वालिटी. अब बिल्बर की पोइट्री के अंदर आपको पिक्टोरियल, ऐसे जैसे पिक्चर उसने आपको दिखा दी है. कुछ राइटर होते हैं ना, वो पिक्चर क्रिएट करते हैं. हमने जॉन एशबेरी को पढ़ा तो वो सुरिलिज्म, डाडाइज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, जो 20th सेंचुरी की फ्रेंच मूवमेंट सी पेंटिंग की, उनसे मुतासर था. तो वो पेंटिंग को पोएट्री से रिलेटेड समझता था, जैसे कि प्लेटो ने पोएट्री और पेंटिंग को सेम कहा है. ठीक है, तो वो भी पेंटिंग और पोएट्री को मिलाना चाहता है. तो सुरिलिज्म की जो ड्रीमी जो सिचुएशन है, जो भी आइडियाज आए, उसको आर्ट फॉर आर्ट से एक डिस्क्राइब करना चाहिए, उसका ख्याल था. तो अब ये भी अपनी पोएट्री के अंदर इमेजेस, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन दे देता है. इट प्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर. अच्छा, यहां पे मैंने एक वर्ड बोला है, मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रेजेंट. अब ये लफ्ज जो है प्रेजेंट, अगर मैं इसे प्रेजेंट कहूं तो ये क्या बनेगा? प्रेजेंट्स कहता हूं तो क्या बनता है? जब हम देखें, हर वर्ड के अंदर सिलेबल होते हैं, ईच जस्ट पल्स और a group of sound, a part of sound that has at least one vowel sound in it, it is known as syllable. अब present जो है इसके अंदर दो syllable है. अगर मैं दूसरे के ऊपर stress देता हूं तो ये verb बन जाएगा. ठीक है, इसको गौर से देखिएगा. अगर मैं कहता हूं I have given you a present, present जो है वो noun है. ठीक है, अगर मैं पहले पे जैसे present प्रेजेंट, अगर मैं प्रा पे जोर देता हूं तो ये नाउन है. अगर मैं जेंट पे जोर देता हूं तो ये वर्ब बन जाएगा. अब मैंने यहां पे बोला है इट प्रेजेंट, तो मैंने दूसरे सिलेबल पे जोर दिया है, यहां पे ये वर्ब बन गया है. इन चीजों को भी गौर से देखा मैंने. इट प्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर. मार्जिनेलिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, पाइन लीव्स, बबल्स, लिली पैड्स, टेक्सटाइल्स, स्कम्स और फ्लोर्स गिव अ विविड पिक्चर्स. ये सारी पिक्चर्स हैं जो वो अपनी पोएट्री के अंदर यूज करता है, और इस पिक्चर्स से वो आपको बहुत सारी चीजें जो है रीडर के माइंड में पहुंचा देता है. विल्बर आल्सो यूजेस फारफेच्ड इमेजरीज एंड कंसीट, लाइक द मॉडर्न अमेरिकन पोएट फॉर एग्जांपल, द इमेज ऑफ, इस चीज की इमेज यूज करता है, स्पैरो फॉर द मॉडर्न सिटीजन. अब जो मॉडर्न लोग हैं उनकी उसने सिंबल यूज किया स्पैरो, एंड रेफरेंस ऑफ द डिलूज एंड द नो लैसलाम. ही सेज thinking of the know the child heart try to force it, how far so many badlam's hours he saw soared the song of birds with its busy nas. He is talking about the special bird. The bird name is vultures. How it just covered the things, aur kis tarah Noel Aslam ke daur mein ek bird ne is duniya ko kaise saaf kiya tha, और वो उसके रेफरेंस देता है यहाँ पे. वेल्बर लाइक द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट द वेल्बर लाइक द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द हैबिट ऑफ चूजिंग सिंपल इशू टेकन फ्रॉम लाइफ एंड देन ट्रांसफॉर्म देम इनटू समथिंग फिलोसॉफिकल एंड लॉजिकल. अगर आपने रिचर्ड आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा हो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग को अगर आप पढ़ें तो कहता है कि ये वो पोएट जो है उसके अंदर जो स्पीकर जो है वो गुजर रहा है एक जंगल के अंदर से, और जंगल के अंदर ये घना जंगल है, डार्क और डीप है. कहता है जंगल चूंकि बहुत घना है, डीप है, डार्क है, लेकिन पोएट कहता है कि मैंने बहुत सारे काम करने हैं, मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो मेरा फाइनल जो जर्नी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ों की ये जाहो जलाल, ये खूबसूरती, ये जंगल, ये सब कुछ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, रादर आई विल keep on moving and
एंड आई विल गेट माई फाइनल डेस्टिनेशन। इससे बहुत सारे मतलब निकलते हैं। इंसान को मरने से पहले मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी आम एक टॉपिक लेता था और उसको फिलोसॉफिकल टच दे देता था और लॉजिकल बना देता। तो उसी तरह इवन के लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कि तुम आम लिखते हो, सिंपल डिक्शन लेते हो, थीम जो है तुम्हारा पेस्टोरल होता है, विल्जियर होता है, ठीक है, जंगल का थीम होता है, फिर उसके द रोड नॉट टेकन जो है वो भी उसकी एक पोइम है। उसमें वो कहता है कि जंगल के अंदर से मैं जा रहा था तो जंगल के अंदर दो रास्ते थे, एक रास्ता जो था वो उस पर कोई नहीं चला था, एक रास्ता जो लोग उस पर बहुत ज़्यादा चले थे, तो मैंने वो रास्ता कहता चूज कर लिया जिस पर कोई नहीं चले थे। मैं जब वहाँ उस पर चलता गया तो रास्ते में पहुँचा, फिर मुझे ख्याल आया शायद पहला बेहतर था, क्योंकि लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इस रास्ते पे तो कोई चला ही नहीं, तुम कामयाब नहीं हो गए। तो असल में वो अपनी ही पोएट्री से रिलेटेड ही वो आइडिया देता है कि मैंने जिस रास्ते को चूज किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम सिंपल लिखते हो, तुम्हारी स्टाइल बना तुम्हारा सिंपल है, तुम विल्जियर थीम लेते हो, तुम नेचुरल पे ऑब्जेक्ट पे लिखते हो, तुम नेचर पे लिखते हो, तुम कोई सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करो जैसे बिल्टन जैसे दूसरे जो हैं पोएट लिखते थे, कोई इस तरह के टफ थीम जो है तुम लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो वो कहता है लेकिन मैंने कहता है आम ही थीम लिए और मैंने आम चीजों पे वर्क किया। फर्दर मोर ही हैज यूज द सेवरल बिब्लिकल और रिलीजियस रेफरेंस एंड साइंटिफिक थ्योरी आल्सो इन मार्जिनेलिया। Wilbur has very skillfully presented the theory that life has a centrifugal force. कि life जो है वो centrifugal है। Centrifugal एक physics का rule है। इसके अंदर क्या होता है कि हर चीज जो है वो किसकी तरफ अपने center से हट जाती है। इंसान आप अगर आप पानी के अंदर लहरें देखें तो वो हमेशा अपने किनारों की तरफ जाती है। आप मजीद चले जाएं, आप कोई चीज़ फेंकें वो भी साइड पे हो जाएगी। इंसान भी अगर गिर पड़े किसी नहर के अंदर तो वो भी आस्ता आस्ता किनारे की तरफ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कहता है आइडिया जो है वो भी सेंट्रल नहीं रहते, वो भी आइडिया आस्ता आस्ता अपने सेंटर से स्किप होते जाते हैं। मछलियों का कंसेप्ट है कि मछलियाँ भी जैसे किनारों की तरफ दौड़ती हैं। तो ये सारे वो कंसेप्ट आपको देता है समझाने के लिए। और थिंग्स एग्जर्ट प्रेशर्स टूवर्ड्स देयर मार्जिन। हर चीज़ जो है वो किसकी तरफ जोर देती है, मार्जिन की तरफ, अपने किनारों की तरफ, एंड बाउंड्रीज और बाउंड्रियों की। नेवर्थलेस कहता है ताहम वेरी ब्यूटिफुली साइंटिफिक थ्योरी हैज बिन यूज टू शो द फिलोसफी ऑफ लाइफ, शो मैन एम्बिशियस नेचर ही से थिंक कॉन्सेंट्रेट एट द एजेस। हमेशा चीज़ें जो है किसकी तरफ जाती हैं, अपने एजेस की तरफ। आवर रिचेज आर सेंट्रीफ्यूगल्स। इट मीन थिंक कॉन्सेंट्रेट मोर टूवर्ड्स द बॉर्डर्स। इंसान जो हमेशा जो चीज़ें हैं वो किसकी तरफ जाती हैं, बॉर्डर्स की तरफ। इन द सेम वे मैंस विशेज एंड डिजायर्स आल्सो अनलिमिटेड।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आलिया, आप कॉल कर रही थी, क्या प्रॉब्लम थी बताइएगा। ये फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो आप खुद ठीक कर लें, वो तो आप नहीं करना है, बाकी आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट जो है वो इन टाइम मिल जाया करेगी। और जो मैं पढ़ा रहा था ना अभी, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा था, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ था। अब आई थिंक आप पहली दफ़ा जूम आप पहली दफ़ा यूज़ कर रही हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह दो दिन में ठीक हो जाएगा। आप कौन सा एक्सपीरियंस है तो आपको चीज़ों को तो सीखना पड़ता है ना, ये ऑनलाइन स्टडी है और ऑनलाइन स्टडी के बहुत सारे फवायद भी होते हैं, आप टेक्नोलॉजी को लर्न करेंगे ग्रेजुअली। तो पहले आपने कभी जूम पे क्लास ली है? हाँ, तो वो मैंने इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी, यानी जो मैं पढ़ा रहा था ना वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा था। अभी तो मैंने असाइनमेंट आपको सेंड कर दी ना, उससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था वो स्क्रीन पे नजर आ रहा था, वो आपकी बुक भी है उसके ऊपर भी वो असाइनमेंट है करंट की, तो आपने वो उधर से देखनी है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पे भी मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर है 99 पेज पे है, ठीक है, उधर से आप इसको देख लीजिएगा और मैंने वही आपको पढ़ाया है। अभी आप अगर खोलें तो 101 पे आ जाएं, आपके सामने एक असाइनमेंट भी जो है वो भी मैंने आपको सेंड कर दी है, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, पहले ये देख लूँ क्योंकि ये थोड़ी सी रह गई है, मैं आपको ये फिनिश कर लूँ। 101 पे आ जाएं, 10 बुक वही जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसकी 101 पेज पे आए, जरा ओपन योर बुक प्लीज। अच्छा आपके पास इधर पेज नहीं मिल रही आपको, फ्रंट है इसकी 99 पेज पे आए जरा आप, अमेरिकन लिटरेचर के 99 पेज पे, 99 उस पे लिखा होगा विल्बर एज अ मॉडर्न पोएट, देखें लिखा है टेक्निकल एक्सीलेंसी ऑफ विल्बर। नहीं मिला? चलो वो उसमें डिफरेंट हो सकता है, आपके पास कोई और होगी, इनके वर्जन डिफरेंट है, चलें कोई मसला नहीं, आप उधर से ओपन कर लें। तो नहीं तो मैंने आपको इसके ग्रुप के अंदर भी सेंड किया हुआ है, आप ग्रुप आपने चेक किया, आप कल ग्रुप में ये असाइनमेंट आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी, आप ग्रुप में काइंडली देखें, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, मैंने ग्रुप में भी सेंड की हुई है, ये देखें ग्रुप के अंदर भी ये। अच्छा थोड़ा सा ना देख लिया करें ग्रुप को और स्टडी के बारे में सीरियस थोड़ा सा हो जाएं। मैं तो कल भी आप लोगों का वेट करता रहा हूँ, आप कल नहीं आए, मुझे फिक्र होती है, मैंने जब फीस किसी से मैंने फी ली होती है तो मैं उसकी टेंशन लेता हूँ, मुझे टेंशन होती है कि मैंने उनको पढ़ाना है, उनका कोर्स फिनिश करना है। तो आप भी थोड़ा सा अगर मेरे साथ टेंशन लेंगे तो हम मिल के फिर चलेंगे तो काम ठीक चलेगा। सो लेट्स सी, अब जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं दोबारा आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। थिंक कॉन्सेंट्रेट एट एजेस, मेरे पास 101 पेज है, आप ओपन कर लें, भले अपनी असाइनमेंट वो जो असाइनमेंट है उससे देख लें। थिंक कॉन्सेंट्रेट एट द एजेस, चीज़ें हमेशा जो है अपने एजेस की तरफ जाती हैं। आवर रिचेज आर सेंट्रीफ्यूगल्स, इंसान का जो जो भी पॉइंट होता है वो किसकी तरफ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल मींस डिवर्टिंग फ्रॉम सेंट्रल टुवर्ड एजेस, और उसके बाद इट मींस थिंक कंसंट्रेट मोर टुवर्ड बॉर्डर, हमेशा चीज़ें जो है बॉर्डर की तरफ, आप पानी को देखें जरा कैसे वो अपनी लहरें जो है उसकी किनारों की तरफ आती हैं, कैसे जो है मछलियाँ जो है वो भी एक साइड पे किनारों की तरफ आती हैं, तो हर चीज़ जो है कहता है कि वो हमारे अपने सेंटर से दूर होती जाती है, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो मछलियाँ हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वेव हो, चाहे वो लहरें हो, ये सारी आप मार्जिनेलिया के अंदर देखेंगे, उसकी मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको बाद में करवाऊंगा। इट मीन थिंक कॉन्सेंट्रेट मोर टुवर्ड पार्टनर्स, इन द सेम वे मैंस विशेज एंड डिजायर्स आल्सो आर अनलिमिटेड गोइंग फ्रॉम हिज रीच, और इंसान की जो विशेज हैं वो भी ज़्यादा हैं, अनकाउंटेबल,
You have so many wishes. You don't have one wish. You have so many. For example, you have a wish, you want to pass MA English. Once you pass MA English, you'll be thinking about MPhil. Once you complete your MPhil, you'll be thinking about PhD. इंसान की विशेष कभी खत्म नहीं होती. मैंने दो आर्टिकल पढ़े, मैं 4, 5, 10, 20, 50, मैंने 90 आर्टिकल पढ़े. तो मेरा दिल करे यार मैंने 90 पढ़ लिए हैं, तो मैं क्यों इससे 100 क्यों ना करूं. एक टॉपिक होता है ना, अक्सर आप जब पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, तो उसमें आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिकल. तो मुझे याद है कि मैंने जब 90 पढ़े तो मेरा दिल करा किया कि यार मैं 100 पूरे क्यों ना करूं, मैं 10 और पढ़ ले, तो मैंने 10 और पढ़ लिए. तो इस तरह बंदे की विशेष जो है कभी खत्म नहीं. एक बुक पढ़े तो दूसरी पढ़ने को दिल करता है, तीसरी, चौथी, ऐसे आप पढ़ते जाएंगे. फिर तो हमेशा जो है इंसान की जो विशेष है वो कभी सेटिएट नहीं होती, वो भी अनलिमिटेड है, कहता है वो भी गोइंग आउट ऑफ रीच है. In Still Citizen Sparrow, biblical reference has been used. Apparently, poem is about the importance of the vultures and it shares in labor of Hazrat Nuh, but on the deeper level, poem is satire on how modern man's mentality and inclination towards the surface reality. कि modern man किस तरह क्या value देता है life को. आप देखें कि मॉडर्न मैन जो इतना बिजी है वो आम चीज़ों को सोचता नहीं. आप जॉन एशबेरी को पढ़ें, मेलोडिक ट्रेन, तो उसने वो कॉमन चीज़ें हमें बताई हैं, इंसानों की ऑब्जर्वेशन बताई है कि इंसान कैसे फील करते हैं, जिंदगी क्या होती है, जिंदगी के बारे में इंसान क्या सोचता है, वो सारी चीज़ें आपको जॉन एशबेरी ने बताई हैं. तो इंसान जब इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों जिनको इग्नोर कर देता है, तो आपको मॉडर्न पोएट्स जो हैं, चूँकि उनके मसाइल वही हैं जो आपके हैं, तो वो बड़े आपको वो मसाइल बताएंगे जो आम इंसान फेस कर रहे होते हैं, और आम इंसानों की जो प्रॉब्लम है वो मसाले दे दे के आपको समझाते हैं मॉडर्न पोएट. अब स्टिल सिटीजन स्पैरो भी वही चीज है कि जैसे एक मॉडर्न मैन गरीबों को देखता है, वैसे ही उसने उसको पोर्ट्रे किया है. वेरी मास्टरफुली विल्बर हैज यूज्ड द रिलीजियस रेफरेंस टू गिव वेंट टू हिज फीलिंग अबाउट द मॉडर्न मैन्स बिहेवियर एंड द नैरो माइंडेडनेस. द यूज ऑफ द टाइटल The use of the title is also very suggestive. It has striking quality. आप टाइटल को देखें तो टाइटल जो है वो बड़ा suggestive. Still Citizen Sparrow. ठीक है, ए महज़ब चिड़िया, यानी वो किसके बारे में, चिड़िया को वो मुखातब करता है. मार्जिनिलिया, बॉर्डर, एजेस, और उसके बाद स्टिल लास्ट बुलेटिन. अब लास्ट बुलेटिन से हमें पता चल जाता है कि वो खुद ही एक सजेस्टिव होता है. वेरी मास्टरफुली वेल्बर हैज यूज्ड अ रिलीजियस रेफरेंस टू गिव वेंट टू हिज फीलिंग अबाउट द मॉडर्न मैन्स बिहेवियर एंड नैरो माइंडेडनेस. द यूज ऑफ द टाइटल इज वेरी सजेस्टिव. सजेस्टिव होता है कि वो खुद आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सजेस्टिव, सजेस्ट कर रहा है. इट हैज स्ट्राइकिंग क्वालिटी. टाइटल्स एग्जाम्प्लीफाई मेन थीम्स इनहेरेंट इन द पोएम्स वेरी स्किलफुली. यानी जो टाइटल है वो ही आपको कोई टीच कर रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई बात जो है टीच कर रहा है. विल्बर्स अप्रोच इज नॉट सब्जेक्टिव. अब उसकी अप्रोच जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, कि वो किसी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता कि किसी ने उसे कुछ बताया वैसा लिख दिया, जैसे आइडिया आते वैसे बता देता है. एक पोएट को जैसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको आर्ट को देखना चाहिए, पोएट्री को देखना चाहिए, पोएट्री कैसी होनी चाहिए उसको देखना चाहिए, ना कि वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर लिखे. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो जो ट्रू सेंस, ट्रू सेंस है पोएट्री का, वो पोर्ट्रे कर रहा है. इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच. हिज व्यू इज ऑब्जेक्टिव एज कॉन्ट्रेरी टू द अदर मॉडर्न अमेरिकन पोएट्स. हिज पोएम्स आर रनिंग कमेंट्री ऑन द लाइफ एंड इट्स अ ब्लीक रियलिटी. जो उसकी ब्लीक रियलिटी है, डार्क रियलिटी है, जो बिटर रियलिटीज हैं, वो आपको दिखाता है जैसी भी हो. उसमें वो सब्जेक्टिव यूज नहीं करता. हाँ जी, ये बड़ी रिफाइंड चीज है, इसको मैं बड़े अच्छे से अंदाज से पेश कर दूं, उसका न्यूड बुरा हेड है, वो बुरी चीज है, तो उसको मैं बुरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं. नो, ही गिव्स यू व्हाटएवर रियलिटी. ही इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच. ही इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन हिज राइटिंग. एज ही सीज द थिंग एंड ही पोर्ट्रेज इन फ्रंट ऑफ यू, ही डज नॉट टेक और अडॉप्ट द सब्जेक्टिव अप्रोच, रादर ही अडॉप्ट्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि जैसी चीज हो उसको वैसा ही बयान कर रहे हैं. आप कोई डंडी नहीं मार रहे, आप कोई उसमें कोई पार्शल नहीं हो रहे, किसी के जुज्वी नहीं हो रहे, किसी का साथ नहीं दे रहे. ये नहीं, मैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं टीचर को बहुत अच्छे लगते हैं उनकी तरफ वो ज्यादा मुतवज्जे हो, और जिनके जो उसे अच्छे नहीं लगते उनके साथ. नो,
मेरा बीइंग टीचर एक रोल है कि जब मैं क्लास के अंदर हूं तो मैं सारे स्टूडेंट को सेम समझूं, ठीक है। क्लास एज लॉन्ग एज आई एम इन द क्लास आई कंसीडर माय स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट आर सेम। आई एम नॉट गोइंग टू अडॉप्ट सब्जेक्टिव अप्रोच, आई एम वेरी ऑब्जेक्टिव एज लॉन्ग एज आई एम टीचिंग। तो जैसे मैं टीच कर रहा हूँ तो मेरा ये होना चाहिए कि मैं सारे स्टूडेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दूँ, इक्वल उनको अटेंशन दूँ। आई एम यूजिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो सब्जेक्टिव होती है जब इंसान अपना कोई इनर चीज जो साथ में लाए उसे सब्जेक्टिव कहते हैं। इन हिज व्यू इज ऑब्जेक्टिव एज कॉन्ट्रेरी टू द मॉडर्न अमेरिकन पोएट्स। हिज पोएम्स आर रनिंग कॉमेंट्री ऑन लाइफ एंड इट्स ब्लीक रियलिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज ऑफ इमेजिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द वेल्बर्स पोएट्री। और जो कहता है फिर आखिर में कहता है कि जो इमेजिनेशन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है वेल्बर की पोएट्री का। हिज पोएम्स आर शिफ्टिंग पैनोरमा ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। और मार्जिनेलिया इज एट सम टाइम इज द प्रेजेंटेशंस ऑफ द टू स्टेट्स, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने आपको बताया। और मैं आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन मार्जिनेलिया की बताऊंगा कि उसमें कैसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान कोई क्रिएटिविटी की कहता लाइन है, और उस लाइन पे इंसान जब आता है तो फिर वो लिखता है, फिर वो पोएट्री करता है, फिर वो क्रिएटिविटी करता है, फिर वो प्रोडक्टिविटी शो करता है, फिर वो कुछ ऐसे लिखता है, फिर पोएट्री लिखता है, फिर नॉवल लिखता है, फिर प्रोज लिखता है, फिर वो बड़े बड़े वर्क करता है जब आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान होते हैं, मार्जिनेलिया बॉर्डर लाइन। दिस गिव्स ड्रीम लाइक क्वालिटी टू पोएम। इन मार्जिनेलिया पोएट्स इमेजिनेशन इज ट्रिगर्ड बाय सीइंग अ ब्यूटिफुल फूल। द पोएम शोज एन अमेलगम का मतलब लिखे मिक्सचर। Amalgamation का मतलब होता है मिक्सचर, किसी चीज को मिलाना, मिक्स करना, उसे कहते हैं amalgamation। It's amalgamation of good and bad। ये amalgamation है good और bad की, ठीक है। Amalgamation का मतलब है, amalgam का मतलब लिख लें मिक्सचर, कंपाउंड। रियलिटी एंड इमेजिनेशन, उसका जो वर्क है वो रियलिटी और इमेजिनेशन का एक मिक्सचर होता है। इन अ स्किलफुल मैनर्स, इन अ नटशेल, वेल्बर इज अ मॉडर्न अमेरिकन पोएट एज फार एज हिज थीम्स एंड स्टाइल इज कंसर्न्ड। हिज पोएट्री इज नॉट द पोएट्री ऑफ द कॉमन पोएट। यानी उसकी जो पोएट्री है वो कोई कॉमन पोएट्स की नहीं है, बट अपीयरिंग स्ट्राइकिंग एंड द सेम टाइम ओरिजिनल। ओरिजिनल जैसी चीज देखी वैसी बता दी, चाहे वो मार्जिनेलिया हो, चाहे वो स्टिल सिटीजन से पहले हो, चाहे वो लास्ट बुलेटिन हो, तो वो आपको जैसी चीजें देखता है वैसे बयान कर देता है। His theme transfer from reality to imagination at the varying degree। वो और उसका वर्क जो है ट्रांसफर करता जाता है रियलिटी से इमेजिनेशन की तरफ, और आपको साथ साथ चीजें जो है वो एक्सप्लेन करता जाता है। कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है इसकी बताऊंगा रिचर्ड वेल्बर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें। इस असाइनमेंट के अंदर मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं कि सबसे पहले तो वो 1921 में पैदा हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, और 2017 में इसकी डेथ हुई। उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में सर्व किया है यूएस आर्मी के अंदर, और लिटरेचर में उसने अवार्ड, पुलिटजर अवार्ड जो हैं वो जीते हैं। और उसके बाद रिचर्ड वेल्बर की पोइट्री का खासा ये है कि उसकी कैरेक्टरी, वो कॉमन चीज़ों को यूज़ करता है, कॉमन इमेजेस मेटाफर लेता है, और चीज़ों को ऐसा पैराडॉक्स की शक्ल में ऐसे पेश करता है आपके सामने, जैसे गुड बैड, दिन रात, डे नाइट, ठीक है, इमेजिनेशन रियलिटी, यानी ऐसी चीजें, दो चीजों को आपके सामने रख देता है। जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो दो चीजें जो आमने सामने रख देना, चाहे वो किसी इमेजेस की शक्ल में, जैसे आपके सामने चिड़िया और उसने वो न्यूड हेड वाली वल्चर रख दी, ठीक है, जैसे वो आपके सामने लिटरेचर में वर्क जो है जो घटिया वर्क है, और जो शेक्सपियर जैसे लोगों का वर्क है वो आमने सामने रख दिया, इसको कहते हैं जक्स्टापोजिशन। सो ही प्रेजेंटेड थिंग इन द फॉर्म ऑफ जक्स्टापोजिशन, ही शोज यू थ्रू कॉमन एग्जांपल, ही पोर्ट्रेज थिंग इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, ही गिव्स यू कॉमन इमेजेस, ही यूज मेटाफर, ही यूज सिमिली, ही कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ही यूज्ड कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेक्निक इन अ वे टू एलैबोरेट और लूसिडेट हिज पॉइंट्स। And Richard Wolbert's the main characteristic of Richard Wolbert to portray through common example, and he take common themes and then give that theme to philosophical touch. और common theme को वो philosophical touch दे देता है। ये उसकी poetry के सारी characteristic हैं। और वो पूछे अगर आपसे कि discuss with reference to Richard Wolbert's poem. डिस्कस करें रिचर्ड वेल्बर की पोइम्स एट फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी पोएट्री,
डिस्कस 20th century फीचर्स ऑफ पोइट्री विद रेफरेंस टू रिचर्ड वल्बर्स पोइम। तो आपने फिर यही पॉइंट जो मैंने आपको बताए ऐसे लिख देना, आप एक दफ़ा भी इसको पढ़ेंगे पोइम को तो आपको अब याद हो जाएगी, आप इसको ज़रा पढ़ें। कल आपको अब मैं मार्जिनिदिया की क्रिटिकल एप्रिसिएशन और साथ उसको मजीद एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।